الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق اللہ العظیم مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اطہار اعلی و بالا واسطے حضرات زی وقار اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں تے قائم اور دائم ہے جس طرح دنیا دی مثال سمجھی جدو کوئی انسان دنیا دے اندر کوئی عمارت کوئی مکان تیار کر دے اس مکان دے چار دیواراں ایک چھت اگر انہاں دے اندروں کوئی ایک دیوار ایک چھت اسا گھڑ دے ساڈی عمارت نامکمل ہے اگر اسی طرح دین اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں تے رکھی گئی اگر اساں انہاں دے اندروں ایک چیز بھی گڑھ دئیے تے انسان دائر اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتا ذرا غور کیجیے سب تو پہلے انسان نو اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے کے آنا ضروری بلکہ دل دے نال اقرار اور تصدیق کرنا لازمی ہے کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے آخری رسول ہیں نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا حج ادا کرنا جدوں بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیندا ہے ادو انسان دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندا اس تو بعد انسان
पक्का मुसलमान हो जाता। आगे चलिए, फिर आ गए रोजे। रमजान दे रोजे रखना इनके अंदर भी रब्बुल आलमीन इंसान वास्ते गुंजाइश रखी। 11 महीने इंसान को अल्लाह ताला ने छुट्टी दे दी है तो एक महीना अल्लाह ताला ने रोजे उस वास्ते फर्ज करार दिते। फिर भी उस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने बाज बंदियां नूं रुखसत अदा कर दी। बीमार बंदा रोजे नहीं रख सकता, कोई गल नहीं, बाग के अंदर अपनी इद्दत पूरी करे। मुसाफिर बंदा है, सफ़र कर रहा है, अल्लाह ताला ने उस बंदे को रुखसत दे दी है कि तू बाग के अंदर अपनी गजाई अदा करे। इसी तरह ज़कात है, ज़कात भी हर बंदे उत्ते फर्ज नहीं। सहबे इस्तताअत शरीयत के मुताबिक जेड़ा बंदा ज़कात ते निसाब ते पहुँच जाए उस बंदे उत्ते ज़कात फर्ज हो जाती। इस तू बाद हज भी हर बंदे दे उत्ते फर्ज नहीं। हज उस बंदे दे उत्ते लाजिम है कि जेड़ा बंदा इतना पैसा कोल होए कि हज भी करके आए तो हज तो बाद वापस आके उनकी बीवी नु भी भुख की गुंजाइश ना पवे, उनके बच्चों नु भी ना पवे, उस तो इलावा होर किसी बंदे उत्ते हज फर्ज नहीं। यानी कि माल दौलत रखन वाला जिंदे कोल इस्तताअत है वो बंदा हज कर सकता है, आम बंदे दे उत्ते हज फर्ज नहीं। आ जाके रोजाना दिन रात 24 घंटे आ जाके जेड़ी चीज बची है ना वो बची है नमाज। इस नमाज ऐसी चीज है कि जेदे नाल इंसान अल्लाह का कुरब हासिल करता है। इंसान नमाज के जरिए अल्लाह ताला दे हां कुरब हासिल करता है, लिहाजा नमाज को अपने वास्ते लाजमी करार दे। तेरे मेरे माशरे के अंदर जितनी नमाज की ताकीद ज्यादा है उन्ने बेनमाजी ज्यादा है। घर के घर बेनमाज, टबर के टबर बेनमाज, बाप बेनमाज, बेटी बेनमाज, बेटा बेनमाज, बीवी बेनमाज, महलियां दे महल्ले बेनमाज, बिरादरियां दे बिरादरी बेनमाज, शहरां दे शहर बेनमाज। मैं की कहां मेरे मुल्क दे अंदर, मुल्क पाकिस्तान दे अंदर नामी नेट ग्रेड बंदे MPA MNA मेरे मुल्क दा वजीर, मेरे मुल्क दा मुशीर, मेरे मुल्क दा सदर, मेरे मुल्क दा वजीर आजम बेनमाज। वजह क्या है? उसकी वजह है ये कि साढ़े माशरे के अंदर बेनमाज का ऐब नहीं पाया जाता। शराबी है, असं उस नफरत क्यों करते हैं? शराब पीता है, नशई है, असं उस नफरत क्यों करते हैं? वो बंदा नशा इस्तेमाल करता है। सूती बंदा है, असं उस नफरत क्यों करते हैं? बंदा सूद खाता है। पर तेरे मेरे माशरे के अंदर बेनमाज वो ऐब नहीं समझा। बेनमाज साडा दोस्त है, बेनमाज साडा जवाई है, बेनमाज साडा दोस्त है, बेनमाज ही अस अपने घर की चार दीवारी अंदर बैठाया। बल्कि मेरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े इंज के भी लोग बैठे जेड़े कहते ने कारी साहब मैं इस मस्जिद को अकेला बनावांगा, इस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह भी मैं अदा करांगा, इस मस्जिद के खतीब की तनख्वाह भी मैं अदा करांगा, इस मस्जिद का बिल भी मैं अदा करांगा, इस मस्जिद का जो काम काज होएगा वो भी मैं अकेला काम काज अदा करने वास्ते तैयार हूँ। इन्ना कुछ करता है पर नमाज नहीं पढ़ता। जदों सारे नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद दी सीढ़ियां ते उतर रहे होंदे ने कि उस बंदे दी लैंड क्रूजर ते आंदा है
बंदे सारे नमाजी इतने वसूक दे नाल खड़े हो जाते हैं कि इस तरह रब के सामने भी खड़े नहीं, पर किसी बंदे के अंदर जुरत नहीं होएगी कि हाँ चौधरी साहब मस्जिद भी तुसी बनाई, इमाम की तनख्वाह भी तुसी अदा कर रहे हो, मुअज्जिन की तनख्वाह भी तुसी अदा कर रहे हो, खतीब की तनख्वाह भी तुसी अदा कर रहे हो, बिल भी तुसी अदा कर रहे हो, नमाज बड़े प्यो ने पढ़नी, ए गल कोई भी नहीं कहेगा। क्यों? तेरे मेरे माशरे के अंदर बेनमाज ऐब नहीं समझा जा रही है। आइए गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, बेनमाज इतना गंदा, इतना गलीज इंसान है। मैं आज दे माशरे के अंदर अदब के दायरे के अंदर रह के उस बंदे को खंजीर रखा, बेनमाज बंदे को मैं सूर रखा, बेनमाज बंदे को मैं जलील आखा, बेनमाज बंदे को मैं खबीस आखा, तेरे इस्लाम के अंदर रह के मैं इज्जत दे ये अल्फाज गंदे बोल सकता। पर खुदारा मैं तेरे इलाके ना हां हाथ बन के अदना जिया तारे बिना गुजारिश किया करता है। क्यों? तेरे इलाके के अंदर बढ़िया हां इंसान है, इंसान के अंदर कमियां कुतायां होंदिया ने, इंसान है, आखिरकार इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब पाया ही जाता है। पर मेरी एक एक गल का मजाक ना उड़ाया जे, बिना आखिर दिल के अंदर अपनी दिल दिया तकतियां ते नोट करके लेके जाया जे, समझिया जे जो गड़िया गल्ला मैं खबीस जलील सूर खंजीर बोले ने इन्हां दे मैं तुहाडे सामने दलील रखदा हां। तीन कुरान की आयतें पढ़ी, तीन हदीसा पढ़ांगा, तीन मैं फतवे देवांगा, अगर वक्त ने इजाजत दी थी तो तीन वाकिए बयान करांगा। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद, मेरे पैगंबर का नाम है, गाज बाज के दरूद पढ़ो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर के सीने असर ते नाज़िल होने वाला रब दा कुरान ऐलान कर रहा है, वमन आरवान ज़िक्री فإن له معيشة ضنكا कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा रब दे जिक्र तू फेर लेगा की जिक्र जिक्र तू मुराद क्या है, रब दा कुरान ऐलान कर रहा है इन्ना नहु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कायनात के लोगों जिक्र रब का कुरान है, जिक्र तो मुराद अल्लाह का कुरान, जिक्र सब तो वड्डा जिक्र नमाज नु आख्या गया है। सुनिया किस्मा पारा शुरू के अंदर अल्लाह फरमाते ने उतुलुमा ओहिया इलैक कभी नल किताब आकिम सलात इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रु अकबर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। कायनात के लोगों जिक्र तो मुराद सब नमाज तो मुराद सब तो वड्डा जिक्र, जिक्र कहनू आख्या गया की मैं नाम। कायनात के लोगों फजर की नमाज जान बुझ के जाया करन वाले हो, जान बुझ के
ज़ोर दी नमाज बर्बाद करन वाले हो जेड़ा बंदा असर दी नमाज जानबूझ के बर्बाद कर देता है जेड़ा बंदा मगरिब दी नमाज जानबूझ के तरक कर देता है जेड़ा बंदा ईशा दी नमाज जानबूझ के बच्चियां दे अंदर बह के पीपियां दे अंदर बह के रोटी खान पीन दे मामले दे अंदर बह के ईशा दी नमाज जानबूझ के छड़ देता है। आइए तवज्जो कीजिए पिछली आयत ते गौर करया जे वमन आरदा अन जिक्री فإن له معيشة ضنكا جڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے گا جڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے گا اسوس بندے دی زندگی تنگی دی زندگی بنا دیواں گے اسوس بندے دی زندگی تنگی دی زندگی بنا دیواں گے اگے کی فرمایا فإن له معيشة ضنكا کائنات دے لوکو جب اندر دی اللہ تعالی اس بندے دی زندگی تنگی دی زندگی بنا دے گا سنیا لکھاں پتی کروڑا بندہ ہے اون دے مسائل بھی لکھاں دی تعداد اندر لکھاں دے کروڑا دا کاروبار دے اندر لکھاں کروڑا پتیاں دے کاروبار اندر کھیلدا پیا ہے اس بندے دے مسائل بھی لکھاں دی تعداد اندر ہائے ہائے کوکنگ ایل دی فیکٹری دا مالک ہے پر پھکیاں سبزیاں کھان تے مجبور ہو گیا ہے ہائے ہائے فیکٹری دا مالک ہے پھکیاں چاواں پین تے مجبور ہو گیا ہے فإن له معيشة ضنكا کائنات دے لوگو کدی بیٹی آ کے گربان پکڑ دی پئی ہے کدی بیٹا آ کے باپ نو پورا بھلا پیا کہندا ہے فإن له معيشة ضنكا کدی کاروبار اندر خسارا پیا نظر آندا ہے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ رب دے ذکر تو منہ پھیر لے گا اللہ تعالی تنگی دی زندگی دے دے گا اگے کی فرمایا ہے ونحشرہو یوم القیامت یاما کائنات دے لوگوں انسان دنیا تے زندگی گزارتا پیا ہے بے نماز بندہ ہے بے نماز بندہ ہے تنگی دی زندگی گزار کے اللہ دے کول چلا جاتا ہے اگے بھی کی بندا ہے اس بندے دا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا فرمایا ونا شروع یوم القیامت یاما قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دیاڑا ہوئے گا قبراں پھٹن گیاں قبراں پھٹن گیاں انہاں دے اندر مردے بیر نکلن گے جدو بیر نکل گے تی اکھاں تو اندیا کر دیتا جائے گا اکھاں تو نبینا کر دیتا جائے گا اللہ دی بار دا اندر عرض کرن گے کہن گے لیما حشر تنی آما اللہ دنیا تے میں نو اکھاں دیتیاں سان آج میری اکھاں کتے چلیاں گئیاں اللہ دنیا تے ان اکھاں دے نال میں اپنا ماں باپ چہرہ تکیا کر آج میری اکھاں کتے چلیاں گئیاں اللہ ان اکھاں دے نال میں گلاب دے پھول سنگیا گلاب دے پھول میں کیا کردا لیکن آج میری اکھاں ختم ہو گئیاں مولا میری اکھاں کتے چلیاں گئیاں اللہ فرمان گے او میرے بندیاں دنیا تے رہ کے تو ساڈیاں نمازاں چھڑ دتیاں اج اساں تینوں چھڑ دتا اے جا جتھے جا کے جانی جا چلا جا نبی نا بندہ یار تو کوئی اندازہ لگا نبی نا بندہ کتھے جا سکدا اے در در تے تکے کاندا پھردا اے کدی اتے ڈگدا اے کدی اتے ڈگدا پیا اے انج ماحول ہوئے گا بندہ رو رو کے کہے گا اللہ میرا قصور کی اے اللہ فرمائے گا دنیا تے رہ کے تو سانو بھول گیا اج اساں تینوں بھول گیا سنیا میری مجلس دے اندر او بزرگ وی بیٹھے ہون گے جڑے پنج وقت نمازی بڑی چنگی گل کے پنج وقت نمازی یار تیرا بچہ ہوئے گا جوان بچہ پر نماز نہیں پڑھدا ہوئے گا میں سوال کرنا
तेरे तीन पुत्र आन कायनात के लोगों इस दुनिया के अंदर कोई बाप है जो पसंद नहीं करता तेरे पुत्र आन तो मेरी अखों के सामने मेरे पुत्रां नूं नबीना कर दिता जाए मेरी अखों के सामने मेरे पुत्र नूं अन्ना कर दिता जाए मेरे पापा पर गल याद रख लै अगर तेरे तीन पुत्र नमाज नहीं पढ़नगे क्या माता दिन होएगा जो खबरों फटन गया तो तेरे तीन पुत्रां नूं अन्ना कर दिता जाएगा बाबा गल याद रख लै अगर तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती क्या माता दिन होएगा अल्लाह पाक अपना नूर वापस लै लेगा बाबा पर गल याद रख लै अज तू नमाज पढ़ना है तेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती क्या माता दिन होएगा कहीं तेरी बेटी नबी ना कर दिता जाएगा कायनात के लोगों बाप अगर बेटा तू नमाज पढ़ना है तेरा पापा नमाज नहीं पढ़ता क्या माता दिन होएगा तेरे पापे नबी ना कर दिता जाएगा कायनात के लोगों आना नमाज दे नाल प्यार पाइए आ नमाज पढ़िए जेड़ी आयात तुहाडे सामने जिक्र कीती है इस आयात दे अंदर दो ही मसले सुनिया दो ही गल्लां सुनिया दो ही फिकरां सुनिया दो ही मेरियां बातां रब दा कुरान कह रिया है एक तां तंगी दी जिंदगी बना देवांगा जदों कब्रां दे अंदरों उठावांगा नबी ना करके उठावांगा एक तो मैं इस बंदे की जिंदगी दुनिया की जिंदगी भी तंग रख करके रख दे दूसरे नंबर से जो तेन मैं कबर तू उठावगा तो नबी ना करके उठावगा अल्लाह अकबर अल्लाह रब दे कुरान का दूसरा मकाम सुनिए रब का कुरान ऐलान कर रहा है कल्ला बलगति तराकिया वकील मधुराक वसन्नाक फला सत्तक फला सल्ला वला कायनात के लोगों तवज्जो कीजिए गौर कीजिए आप देख लपे नमाज भी अमर दे हर किसी ने मर जाना है मैं भी मर जाना है तुसी भी मर जाना है सुने जड़िया तेड़िया नमाजा छड़ जाना है जिड़े मोतन हर वक्त आल सलाह दियाँ बातें देता रह जाता है पर तेरे कान ते जू भी नहीं रुकती अजूना स्पीकर दे जिन्ना स्पीकर दे विचों असान ते तवज्जो नहीं देता एक वक्त ते जाएगा इन्ना स्पीकर दे अंदरों तेरे जनादे का ऐलान हो जाएगा एक वक्त जता जाएगा इन्ना स्पीकर दे अंदरों तेरे जनादे का ऐलान होएगा कायनात के लोगों गुणाना बेगनक बेनमाज बंदा पिया मरदा है बेनमाज मर रहा है फरिश्ते आ गए ने बेनमाज रूह कबज करन वास्ते आए ने ते आ गए ने कुरान ऐलान पिया करदा है वल तवादी साकू बिसा गए ऐलान करदा पिया है यार बेनमाज बंदे दी रूह हलक अंदर आके फस गई है बेनमाज बंदे दी जान आके हलक अंदर आके रुक गई है हलक अंदर आके रुक गई है दूसरे मकाम ते रब दा कुरान ऐलान करदा है फरिश्ते थप्पड़ मार के कहंदे ने अखरिजू अनफुसकुम अपने आप नूं भला चौधरी समझदा सी अपने आप नूं भला लैन लाड समझदा सी अज आपे ही अपनी जान कढ़ के विखा अखरिजू अनफुसकुम अपने आप नूं भला मोमिन बणांदा सी अपने आप नूं भला अनपियती अमन निकलवांदा सी अज आपे ही जान कढ़ के विखा अलग अंदर आके जान रुक गई है अलग अंदर आके रूह फस गई है कायनात के लोगों वल
ਹਲ ਤਫਤ ਸਾਕ ਪਿਸਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਰਗੜਦਾ ਪਿਆ ਏ ਪਿੰਡਲੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅੰਦਰ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਰਾਤ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਏ ਆ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਏ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੰਮਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਮ ਫੁੱਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਆਖਰੇ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਪ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਣ ਦੀ ਰਾਹ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਸੁਗਿਰਦੇ ਪੈ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ ਹੁਣ ਜਾਨ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਏ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਫਸ ਗਈ ਏ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾ ਸਦਕਾ ਵਲਾ ਸੱਲਾ ਵਲਾ ਕਿੰਤਬ ਵਤਵੱਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਏ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਨੇ ਤਰਾਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਾਬੜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇੰਜ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਅਖਰਜੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਖਲਫ ਮਿਨ ਬਾਦਿਹਿਮ ਖਲਫ ਨਜ਼ਾਬੁ ਸਲਾਤ ਫਤਬਉ ਸ਼ਹਵਾਨ فسوف يلقون غيا الله اكبر الله کائنات دے لوگوں ساڈے تو پہلے
बड़े बंदे चंगे होया करदे सन, बंदे बड़े आला होया करदे सन, नमाज़ां पढ़िया करदे सन। अज दे बंदे नमाज़ां नूं ज़ाया कीती जा रहे ने। तुहाडे तो पहले बंदे बड़े चंगे होया करदे सन, नमाज़ां पंज वक्त दियां पढ़िया करदे सन, मस्जिदां दे नाल प्यार पाया करदे सन। अज मेरे तेरे माशरे दे अंदर इंज दा माहौल बन चुकिया है, मस्जिदां वीरान नजर आंदियां पईआं ने। अज दा माहौल जे मस्जिदां पहले कच्चियां होया करदियां सन, नमाज़ी पक्के होया करदे सन, हुण मस्जिदां पक्कियां ने पर नमाज़ी कच्चे नजर आंदे ने। कायनात दे लोगों पहले मस्जिदां थोड़ियां होया करदियां सन, नमाज़ी ज़्यादे नजर आया करदे सन। अज तेरे मेरे गली दे अंदर, तेरे मेरे मुल्क दे अंदर, इक गली दे अंदर चार चार मस्जिदां नजर आंदियां ने। कायनात दे लोगों मस्जिदां वीरान नजर आंदियां पईआं, मस्जिदां उन्ना नमाज़ियां तू तरस गईआं ने, मस्जिद दियां दीवारां उन्ना नमाज़ियां तू तरस गईआं ने, सफ़ां उन्ना नमाज़ियां तू तरस गईआं ने। कित्थों आण गए जिते नमाज़ी यार, कित्थों आण गए जिते नमाज़ी। अगर मेरी गल दा गुस्सा ना करें मैं किंज कहांगा, अज तेरे माशरे दे अंदर इंज दा माहौल बन चुकिया है। असां लखां करोड़ां रुपये अपने जलसां ते लगा देने आ, करोड़ां पत्तियां अपनियां महफलां ते लगा देने आ, पंज पंज हज़ार अपने इमाम नूं देण वास्ते साडे पेट अंदर दर्द पै जांदी है। यार अगर मेरी कान दा गुस्सा ना करें मैं इंज कहांगा, यार के इंज दे वी लोग होणगे कहणगे कारी साहब फलाने मौलवी नूं बुलाओ ना, मैं कल्ला ही पंद्रह हज़ार देवांगा। सोणिया मस्जिद दे इमाम नूं महीने बाद हज़ार रुपया देण वास्ते तेरे पेट अंदर दर्द पै जांदी है। मस्जिदां वीरान हो गईआं, मस्जिदां दे अंदर इमाम भी नहीं आंदे, क्यों नहीं आंदे, उन्हां दी कदर नहीं कीती जांदी। मस्जिदां दे अंदर क्यों नहीं जमातां करांदे, अजर नमाज भी पढ़ाने फिर असां उंदियां नकते चीनियां भी करिए। तेरे मेरे पैगंबर रसूल दे मिंबर खाली क्यों हो गए, वजह यही है असां मौलवी नूं बुला लैने आं पर उंदी कदर नहीं करदे, असां दे नाल प्यार नहीं पांदे। असां इंज समझने आं जिवें साडे घर दा बेटा होया करदा है, इंज समझने आं इह साडे घर दा ही जीए, कोई परवाह नहीं कोई फिक्र नहीं। सोणिया अपनी महफलां दे अंदर वीह हज़ार देण वाले मेरी गल तो वचो दे नाल सुनिया जे, लम्मी फिक्रिया गल कर रहा, अल्लाह की कसम है किसे नूं ताना तशरीह नहीं बना रहा, समझाण वास्ते गल पिया करना। यार वीह हज़ार उस मौलवी नूं देना है, यार हज़ार रुपया अपने मस्जिद दे इमाम नूं दे ला, तेरिया मस्जिदां कदी फिरान नहीं होणगियां। यार अगर मेरी गल दा गुस्सा ना करें इन मस्जिद दे अंदर, यार अपने गर्ल फ्रेंड दे नाल पिक्चरां लैण वाले बड़े नजर आंदे ने पर नमाज़ी नहीं आंदे। यार तेरे सामने लाहौर दे अंदर थोड़े दिन पहले ही शूटिंग लई गई है, फिल्म बनाई गई है मस्जिद दे अंदर। यार अगर मस्जिद इमाम दे नाल प्यार नहीं करेगा, मस्जिद पिया मस्जिद इमाम दे नाल मुहब्बत नहीं करेगा, यार फिर मस्जिदां दा ही हाल होएगा। मस्जिदां दे अंदर फिल्मां बनणगियां, मस्जिदां दे अंदर ड्रामे चलणगे, मस्जिदां दे अंदर माधला कंजरियां नचणगियां। यार अगर मस्जिद इमाम दा प्यार नहीं पाएगा, अल्लाह की कसम है क़यामत आले दिन अल्लाह तुहाडे कोलों सवाल करेगा, अल्लाह तुहाडा ही किरबान पकड़ाएगा। लोकां नूं वीह हज़ार देण वालिया, लोकां नूं पंजाह पंजाह हज़ार देण वालिया, तेरियां मस्जिदां वीरान हो गईआं, मिंबर रसूल खाली हो गए, मिंबर रसूल तबाह बर्बाद माज़ल्ला हो गए, मेरे पैगंबर दे मुसल्ले खाली हो गए। यार प्यार पाइए इमाम दे नाल, मोहब्बत कीजिए मस्जिद दे नाल, आइए तवज्जो खींचिए गौर कीजिए। असां समझिया है मस्जिद दे अंदर लख रुपया लगा लईए साडी मस्जिद खूबसूरत बन जाएगी, अल्लाह दी कसम है कभी खूबसूरत नहीं हो सकदी, जहरी तौर खूबसूरत बन जाएगी, लोकां दी नजर अंदर खूबसूरत बन जाएगी। अल्लाह दी कसम है
जो तक मस्जिद अंदर सजदा नहीं होएगा कभी मस्जिद खूबसूरत नहीं हो सकती। वैसे तो रब का घर खूबसूरत है पर जे तू मैं चाहने उंज नहीं हो सकता। सोनिया मस्जिद खूबसूरत करना चाहना है जिंज यार जलसे की तबलीक करना है एक एक दोस्त घर है पैगाम भेजना है एक एक दोस्त कोल कार्ड भेजना है एक एक दोस्त कॉल करके कहना है इंज अल्लाह की कसम है लोगों नमाज की दावत दे दे अल्लाह की कसम है कदी ये मस्जिद दीवारा ना तरसदिया ना नमाजियां तू नमाज पढ़िए मस्जिद नाल प्यार खींचिए कायनात दे लोगों आइए मेरे पैगंबर दी मस्जिद नबवीए कच्ची लंटा कच्ची मस्जिद कच्चा लंटा रे दीवारा मेरे पैगंबर दियां खचियां नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों बारिश आ जांदी मेरे पैगंबर दा यार मेरे पैगंबर दा लंटर चो जांदा सहाबा करां फजर दी नमाज पढ़दे ते सजदा करदे ते चेहरे ते मिट्टी लग जांदी मेरे पैगंबर दे सलात व सलाम दे सहाबा अल्लाह की कसम है हजरत बिलाल जैसिया ने इंज दा सजदा कीता है रब ने उस जगह नूं जन्नत दा टुकड़ा करार दे दिता है। यार अज साढ़े सजदे नहीं रह गए साड़िया नमाजा नहीं रह गई साड़िया रकात नहीं रह गई अल्लाह की कसम है पहले इंज ते सजदे होया करदे सन इंज दियां नमाजा होया करदियां सन सजदे कर देंदे ते जम्मण वाले बच्चे भी बोल पया करदे सी अल्लाहु अकबर कायनात दे लोगों अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रिहा है فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فاتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بے نمازی دا ٹھکانا گئی ہے گئی تو مراد کیا ہے جہنم تو سارے تو نیچا گڑا ہے سب تو نیواں گڑا جہنمی اس بندے واسطے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا तेरे मेरे माशरे दे अंदर बेनमाज ऐब नहीं समझिया जांदा नमाज अदा कीजिए नमाज पढ़िए ताकि क्यामत दा दिन होए साडे तेरे मेरे नाले सलूक ना हो जाए। तीन आयतां सहाबा दे सामने पढ़ियां ने आइए तीन हदीसां सुनिए तवज्जो कीजिए गौर कीजिए मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लोगों मैं तुसा पास दे कुल एक सवाल पिया करना जरा दिल की तकती नोट करके ले जाया जे कायनात के लोगों आज तक कोई बुजुर्ग आज तक कोई माँ बाप ये नहीं चाहते साड़ी बेटी का रिश्ता किसी काफिर के घर हो जाए यार काफिर दी गल तो दूर दिए आज कोई बंदा भी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसे दूसरे फिरके दे अंदर दे देवा कोई चाहता है कोई बंदा नहीं चाहता कायनात दे लोगों कोई बंदा जिदा नहीं करता बीवी तेरी होए ती रोटियां किसे काफिर नु पका के देवे कोई चाहता है नहीं चाहता यार कोई भी नहीं चाहता तू किसे गैर मुस्लिम औरत हाथ दियां रोटियां पकी हुई खाए अल्लाह की कसम है कोई बंदा है जिदी गल बर्दाश्त नहीं करता कोई बंदा है जिदा लुकमा नहीं खाता फिर आ मेरिया गल अपने दिल की तकती ते नोट करके ले जा मैं अल्लाह की कसम है अपने कोलों कोई बात नहीं पिया करता एक एक बात का जिम्मेदार हाँ एक एक गल का जिम्मेदार हाँ जो बात करांगा मिंबर रसूल ते खड़े होके उनका मैं जवाब दूसरी हदीस बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कु सलात कायनात के लोगों मोमिन बंदा और काफिर बंदे दे दरमियान अंदर फर्क करन वाली की चीज है बोलो थोड़े बोले हो की फर्क है।
नमादे यार नमादे फिर सदी सितश्री अंदर गल लोड करके ले जा कायनात के लोगों अगर तेरे तीन बेटे ने नमाज नहीं पढ़ते फिर मन तेरा बेटा काफिर है अगर तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती सदी स्थिरू ते नाल मन तेरी बीवी काफिर है अगर तेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती फिर मन तेरी बेटी काफिर है जेड़े ते हाथ दी पकियां रोटियां पिया खाना है फिर मन नो काफिर है कायनात के लोगों गर्म पे कर बे नमाज मैं कहूंगा पूरा करे नमाज नहीं पढ़ता तो काफिर है मैं नहीं कहता पिया नबी पाक दे फरमान है नबी पाक दी हदीस है कि बंदा काफिर है सुने दूसरी हदीस ते तवज्जो करना बैन शिरकी व बैन अल कुफर तर्क सलात सुने मुशरक बंदे ते काफिर बंदा मुशरक बंदे ते मोमिन बंदे ते फर्क करन वाली की जीदे नमाज इंदा मतलब है कि जेड़ा बंदा नमाज पढ़ेगा वो मोमिन है जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा वो बंदा कौन है अपने मुंह नाल कहो ना कौन है मुशरक है जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा बंदा मुशरक है कायनात के लोगों मैं मनना हां दरबारा ते सजदे कीते जान बंदा मुशरिक है मैं मनना हां गैर अल्लाह दे नाम ते नजरां नियाज़ां दित्तियां जान मैं मनना हां के बंदा मुशरिक है यार मन मन मट्टी दे सामने सजदे कीते जान मैं मनना के बंदा मुशरिक है यार मैं मनना हां वो बंदा मुशरिक है बेनमाजी मुशरिक है भावें वहाबी है बेनमाजी मुशरिक है भावें बरेलवी है बेनमाज मुशरिक है भावें दियोबंदी है अल्लाह दी कसम समय मैं गल कहना चाहना जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा मुशरिक है अल्लाह की कसम है असा उस बंदे दे पीछे फट्टी लगाई है इस मुशरिक नु कौन समझाएगा उस मुशरिक दे पीछे बड़े मुनाजरे करने आ इस मुशरिक नु कौन समझाएगा उस मुशरिक दे पीछे डंडे लेके फिरने आ यार इस मुशरिक नु कौन समझाएगा जेड़ा नमाज़ा नहीं पढ़दा जेड़े अल्लाह दे घर दे करीब नहीं आंदा मैं सवाल पिया करना मैं पूछना चाहना यार अगर अल्लाह दी कसम है इन्ना मुशरकां दे पीछे तू फट्टी लाई होंदी इन्ना मुशरकां दे पीछे तू मुनाजरे कीते होए होंदे तेरी मस्जिद आई कदी फिरान ना होंदी तेरे मेरे माशरे दियां मस्जिदां कभी खराब ना होंदियां अल्लाह दी कसम है मेरे सामने अखां दे सामने इंज दे भी मैं मनासिर वेखे ने मस्जिदां दे अंदर कुत्ते आया करदे लेकिन लोग नहीं नज़र इंज दा माहौल बन गया है जे अगर असा उस मुशरिक नु कब्र ते सजदे करण वाले नु असा मुशरिक आख सकने आ मैं मनना हा के मुशरिक है लेकिन जेड़ा बेनमाज सब तो वड्डा मुशरिक है अगर अज असा इनु समझाया होंदा इंदे पीछे तख्तियां लाईयां होंदियां इंदे पीछे असा फतवे लाए होंदे अल्लाह दी कसम है कदी तेरी मस्जिद दी सफा ना तरसदी कसूरवार असा आप हां आइए तीसरा तीसरी हदीस सुनिए तवज्जो कीजिए मेरे और तुसादे पीर और मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया है मुनाफिक बंदे ते दो नमाज़ा पारियां पता जे केड़ियां केड़ियां ने पता है एक फजर दी नमाज दूसरी इशा दी नमाज कायनात दे लोगों पता चले आज जेड़ा फजर दी नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुनाफिक होएगा पता चले आज नबी पाक दी हदीस तू पता चले आज जेड़ा बंदा इशा दी नमाज नहीं पढ़ेगा बंदा बोलो कौन होएगा मुनाफिक होएगा यार दो नमाज़ा वाला बंदा है मैं तेरे को पूछना चाहना जेड़ा बंदा पांच नमाज़ा नहीं पढ़दा ओनू मैं की कहां सब तू वड्डो बंदा मुनाफिक होएगा यार कुरान पूरा तेरे कुरान सामने पिया है यार पूरे कुरान पढ़ला शुरू तू लेके आखिरी तक पढ़ला है अल्लाह दे हां ते नहीं मुजरिम होंगे एक काफिर होएगा एक मुशरिक होएगा एक मुनाफिक होएगा यार केटा बे नमाजी बदबخت बंदा है किन्ने अलामता एक वक्त से बंदे अंदर पाई जांदियां ने बेनमाज काफिर होएगा
नमाज मुशरिक होएगा, बेनमाज मुनाफिक होएगा। कायनात के लोगों नमाज अदा कीजिए, तीन फतवे सुनिए, तीन फतवे सुनिए। कायनात के लोगों हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कौन अली मौला अली कौन अली फातिमा का शोर अली कौन अली फाते खैबर अली हजरत अली रजी अल्लाह तआला ते कोलू सवाल किया गया है, अली जी एक औरत है सारे बाकी नेक काम कर दिए, एक सिर्फ नमाज नहीं पढ़ती। की नहीं पढ़ती? नमाज नहीं पढ़ती। यार मैंने पता थोड़े सारे नजर गड़िया देने पर तेल फतवे कर दस के मैं इजाजत चाहवागा। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। हजरत अली दे कोल सवाल किया, अली ने फरमाया है, अली दे कोल सवाल होया कि एक बंद औरत है सारे नेकी दे काम कर दिए, सारे कर दिए, एक नमाज नहीं पढ़ती। हजरत अली ने की फरमाया, या फिन्नार या फिन्नार या फिन्नार, औरत जहन्नम अंदर जाएगी बेनमाज, औरत जहन्नम अंदर जाएगी बेनमाजी, जहन्नम अंदर जाएगा। दूसरा फतवा सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, कौन अब्दुल्ला बिन अब्बास? मुफस्सर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया है, कायनात के लोगों कायनात के लोगों जेड़ा बंदा जा एक नमाज जान बुझ के छड़ देता है, कल कियामत का दिन होएगा, अल्लाह ताला उस बंदे ते नाराज होंगे। यार एक नमाज वाले बंदे ते अल्लाह नाराज होएगा। बोल सुनिया, पंज पंज नमाजा खान वाले आ, पंज पंज नमाजा जान बुझ के माज अल्लाह बर्बाद करन वाले आ, पंज पंज नमाजा अपनी हड्डियां ते बह के जाया करन वाले आ, गंदियां बंदियां दे नाल बह के अपनी नमाजा बर्बाद करन वाले आ। यार सोच तो सही ना, जरा दिल ते गल बिठा तो सही ना। ओ बंदा जिन्ने के जान बोझ के नमाज छड़ी, उस बंदे से अल्लाह नाराज हो जाएगा। तीसरा फतवा यारे, मौजूदा शेख का फतवा सुने, सऊदिया का शेख है खाना काबा बैतुल्लाह के अंदर दरस देने वाला अब्दुल अजीज बिन अयाज है रहमतुल्लाह अलैह, थोड़े दिन गुजरे ने दफात हो गए, उन्होंने को सवाल किया गया, पूछा गया, शेख गल एक बंदा है किसे कारोबार या प्रोग्राम तो वापस आंदा है, रात एक बजे या बारह बजे आंदा है, आके मोबाइल पे अलार्म लाया है ते अपनी बीवी नु आखदा है फजर दा नमाज दा वक्त हो जाए, अजान आ जाए तो मैनू उठा दे। हुण बंदा सो गया है पर अलार्म बजदा रह गया ते अख नहीं खुली, बीवी जगांदी रह गई है, अखियां ते गलबा पै गया है, नींद फाका आ गया है। दसो तो सही ना, बंदा की करेगा? शेख साहब ने फरमाया है, जब अख खुलेगी नमाज अदा करेगा, नमाज हो जाएगी। दूसरा बंदा जरा रात एक बजे आया है, दो बजे आया है, मोबाइल बंद करके रख दिता है, बीवी नु आखिया है खबरदार 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 है, सुने जुमले ते तो बच्चों करना, खबरदार खबरदार है। ना तू पहले तू मैनू उठाया, मैं तेरी लत्तां पर देवांगा, मैं तेरे बाजू तोड़ देवांगा। दस उस बंदे दे बारे की बनेगा, उस बंदे दे बारे की बनेगा? फरमाया उस बंदे दे बारे क्या माता दिन होएगा, अल्लाह पाक उस बंदे नु जहन्नम अंदर सुट देगा। फिर अगे फरमाया जदो मरेगा मरेगा इत्थे ही मौत आ गई, किथे किथे सुता भी आए इत्थे ही मौत आ गई, इत्थे ही मर गया, इत्थे ही डेड बॉडी हो गई। क्या माता दिन होएगा, इंजी उठाया जाएगा ते काफरां दी लड़ी अंदर खलार दिता जाएगा, मुशरकां दी लड़ी अंदर खलार दिता जाएगा। या जो लड़ी अंदर खलो जाएगा, जो मुशरक अंदर छड़ो जाएगा। बोलो समझो तो सही, उस बंदे दा टिकाना की होएगा, उस बंदे दा खिया की होएगा, उस बंदे दा टिकाना होएगा ही आखिर।
उस बंदे का ठिकाना जहन्नम है। सुनया तेरे सामने जितनिया बातें कीतिया ने कुरान अंदरों कीतिया ने या पैगंबर ते हदीस और रसूल की बातें कीतिया ने जो कुछ कीता है अल्लाह पे कुल दुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब तो पहले मैनू गुनहगार तालिबे इल्म अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दुआ करो मेरे उत्ते जिस तरह के कुछ ऐसे रवैये ने कुछ ऐसे लोग मेरे उत्ते मुसल्लत ने जिहड़ी वजह करके मेरे ते परेशानियां ने। दुआ करनी है थोड़े दिन पहले होए ने कुछ लोग जानते ने मैनू अगवा किया गया कि मैं तकरीबन 12 दिन लापता रहा। माँ बाप भी परेशान रहा। अल्लाह की मेहनत अल्लाह की रहमत के नाल करम के नाल थोड़े दिन होए ने रिहा होके आया। दुआ करनी मेरे वास्ते भी अल्लाह पाक मैं अपने हिफ्ज़ व अमान अंदर रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू हक सजदा बोल वाला बयान करम की तौफीक अता फरमाए। हमेशा हक सच बयान करम की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे कोई दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं मेरी हिफाजत फरमाए तुसा बाप की हिफाजत फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।